स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो बाइक्स आप लोगों ने फिर से देखी ली होंगी, एक है RC 390 2022 वर्जन 2। वर्जन क्या मतलब, अपग्रेडेड मॉडल है RC 390 का। और दूसरी साइड खड़ी है कॉन्टिनेंटल, रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT 650। तो दोनों ही बाइक्स BS6 हैं और दोनों ही बाइक्स बहुत अच्छा टॉप एंड क्लोज करती हैं। और तो बात करें अगर इनके स्पेक्स की, तो RC 390 एज द नेम सजेस्ट 390 cc की एक बाइक है, 373 cc टू बी एग्जैक्ट। और उसी जगह कॉन्टिनेंटल GT 650 एक 649 cc की बाइक है। तो अगर बात करें BHP की कितनी पावर प्रोड्यूस करती है, तो RC 390 अराउंड 42 टू 43 BHP प्रोड्यूस करती है। उसी जगह पे कॉन्टिनेंटल GT 650 प्रोड्यूस करती है 47 BHP। तो जाहिर सी बात है इनिशियल बहुत ही प्यारा है कॉन्टिनेंटल GT का, लेकिन ये तो सिर्फ ऑन पेपर है, प्रैक्टिकल में देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स देती हैं दोनों बाइक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको इन दोनों के प्राइस की एक बार बात करते हैं। तो अगर बात करें रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT मिस्टेक क्लीन क्रोम कलर जो आता है, तो ये अराउंड 395 के आसपास पड़ता है। और उसी जगह RC 390 पड़ती है आपको लगभग 380 के आसपास। तो दोनों में ही 10-15 हज़ार का फ़र्क है, जो कि वो ज़्यादा कॉस्टलियर है। तो चलिए देख लेते हैं एक बैक साइड लुक। इसमें डुअल एग्जॉस्ट पैरेलल ट्विन इंजन आपको मिलता है, इसमें सिंगल सिलेंडर एग्जॉस्ट इसमें सिंगल सिलेंडर आपको मिलता है, उसमें डबल सिलेंडर मिलता है। ये सिंगल सिलेंडर बाइक है और ये पैरेलल ट्विन इंजन के साथ आती है। तो चलिए एक बार इनके एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं, उसके बाद ड्रैग को शुरू करते हैं। तो इसको किया न्यूट्रल, ओ भाई न्यूट्रल हो गई, और ये स्टार्ट हो गया इसका एग्जॉस्ट। तो एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो आप लोग सुन सकते हैं, लिमिटर टच करने के बाद कुछ इस तरीके की साउंड आ रही है। आप लोग एक बार और क्लियर सुने। और अब बात करते हैं कॉन्टिनेंटल GT 650 की। तो इसका एग्जॉस्ट कुछ वर्क करता है, तो एक बोल्डनेस साउंड, एक तगड़े बेस के साथ साउंड है, और ट्विन सिलेंडर होने की वजह से थोड़ी साउंड और तेज भी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ऑन पेपर बात अलग थी और रियल लाइफ बात अलग हो गई है। शिफ्टर यार बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। अब नहीं पकड़ पाएंगे, कुछ भी हो जाए। एंड ये क्या है भाई, पीछे रह जाते हो यार तुम।
जैसा कि आप लोगों ने देखा, मुझे थोड़ी लॉन्च करने में इस बाइक को प्रॉब्लम हो गई थी। थोड़ा सा डर लगा नॉन फेड बाइक देख के, तो इस वजह से लॉन्च नहीं हो पाया तगड़े से। लेकिन जब भैया ने आगे निकलने का मौका दिया तो उसके बाद आगे निकले, फिर भैया आगे निकले। हाँ, इनिशियल में तुम निकाल नहीं पाए ना। इनिशियल में थोड़ा सा क्या कहते हैं फंस गया था मैं, स्लो करना पड़ गया, फिर कवर करने में टाइम ले लिया मैंने थोड़ा। हाँ, लेकिन टॉप एंड पे क्या कहते हैं यही जीत रही है। तो राइडर स्विच करके अब देखते हैं, अब अच्छे से लॉन्च करेंगे और वो भैया उसको अच्छे से लॉन्च करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक मिनट है। बहुत तगड़ा भैया का लॉन्च और बराबरी से चल रहे, इतना तो हम लोग नहीं हो पाए थे। और अब यूज़ करते हैं कुछ शिफ्टर। थोड़ा ट्रैफिक हो गया, तो गाइज ये होने वाली है थर्ड बैटल इसी वीडियो की, क्योंकि अभी तक मज़ा नहीं आया था, अब मज़ा आएगा। अच्छा,
तो दोस्तों आप लोगों ने रिजल्ट्स देख लिए, इनिशियल में RC390 वो थोड़ा सा आगे रहती है एज़ कम्पेयर टू GT650। भैया ने भी बहुत अच्छा लॉन्च किया कॉन्टिनेंटल GT को, लेकिन GT फास्ट है क्योंकि 650 cc पैरेलल ट्विन, ऊपर से पावर भी लगभग 3 से 4 से 4.5 BHP ज़्यादा। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या पावर रिलीज़ कर रही है। तो अगर आप लोग को ये बैटल पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और कुछ मज़ेदार कमेंट करिए कि मेरा दिन बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इंस्टाग्राम ID डिस्प्ले हो रही है उसको फॉलो करिए। बाय, ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।